आज हम आपको एक ऐसे भक्त के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो राजपूत ठाकुर होते हुए भी और अनेक कष्ट सहते हुए भी अपने कृष्ण प्रेम को नहीं छोड़ा। उनका नाम था मीराबाई। मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। मीरा पूर्व जन्म में मथुरा की गोपी थी। उन दिनों वह राधा की प्रमुख शैलियों में से एक हुआ करती थी और मन ही मन भगवान कृष्ण को प्रेम करती थी। इनका विवाह एक गोप से कर दिया गया था। विवाह के बाद ही गोपी का कृष्ण प्रेम समाप्त हुआ। सास को जब इस बात का पता चला तो उन्हें घर में बंद कर दिया गया। कृष्ण से मिलने की तड़प में गोपिका ने अपने प्राण त्याग दिए और इस जन्म में जोधपुर के पास मीरता गांव में 1504 में राठौर रतन सिंह के घर गोपिका ने मीरा के रूप में जन्म लिया। मीराबाई मीरता महाराज के छोटे भाई रतन सिंह की एकमात्र संतान थी। मीरा जब छोटी थी तभी उनकी माता का निधन हो गया था, इसलिए इनके दादा रावदूता उन्हें मीरता ले गए और अपनी देखरेख में उनका पालन किया। एक बार एक साधु मीरा के घर पधारे। उस समय मीरा बहुत छोटी थी। साधु को मीरा की माँ ने भोजन परोसा। साधु ने अपनी झोली से श्री कृष्ण की मूर्ति निकाली और पहले उसे भोग लगाया। मीरा भी साथ खड़ी होकर इस दृश्य को देख रही थी। जब मीरा की नजर श्री कृष्ण की मूर्ति पर गई तो उन्हें अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद आ गईं। इसके बाद से ही मीरा कृष्ण के प्रेम में मग्न हो गई। बालकाल में एक दिन उनके पड़ोस में किसी धनवान व्यक्ति के यहाँ बारात आई थी। सभी स्त्रियां छत से खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीराबाई भी बारात देखने की छत पर आ गई। बारात को देख मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर मीराबाई की माता ने उपहास में ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कह दिया कि यही तुम्हारे दूल्हा है। यह बात मीराबाई के बाल मन में एक गांठ तरह समा गई। अब वे कृष्ण को ही अपना पति समझने लगी। मीराबाई के अद्वितीय गुणों को देख कर ही मेवाड़ नरेश राणा सांगा ने मीराबाई के घर अपने बड़े बेटे भोजराज के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा। इस विवाह के लिए पहले तो मीराबाई ने मना कर दिया था, लेकिन परिवार वालों अत्यंत बल देने पर वह तैयार हो गई। विदाई के समय श्री कृष्ण की मूर्ति अपने साथ ले गई, जिसे उनकी माता ने उनका दूल्हा बताया। मीराबाई ने लज्जा और परंपरा को त्याग कर अनूठे प्रेम और भक्ति का परिचय दिया। विवाह के 10 वर्ष बाद ही मीराबाई के पति भोजराज का निधन हो गया। पति की मृत्यु के बाद ससुराल में मीरा पर कई अत्याचार किए गए। सन 1727 में बाबर और सांगा के युद्ध में मीरा के पिता रतन सिंह मारे गए और लगभग तभी ससुर की मृत्यु हुई। राणा सांगा की मृत्यु के बाद भोजराज के छोटे भाई रतन सिंह सिंहासन में बैठे। सन 1531 में राणा रतन सिंह की मृत्यु हुई और उनके सौतेले भाई विक्रमादित्य राणा बने। राणा ने अपनी बहन उदाबाई को भी मीरा को समझाने के लिए भेजा, लेकिन किसी प्रकार का कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। मीराबाई रिश्ते में राणा प्रताप की चाची लगती थी। एक बार जब राणा प्रताप अपने प्रियजन की मृत्यु से युद्ध से विरक्त हो गए थे तो मीराबाई ने उन्हें अपने कर्तव्य की ओर मोड़ा और उन्हें मानसिक संबल प्रदान किया था। राणा प्रताप के पिता उदय सिंह का मानना था कि मीराबाई के मेवाड़ छोड़ देने के बाद उस पर राज पर एक के बाद एक विपत्तियां आई थी। सन 1533 के आसपास मीरा को राव बीरबल देव ने मृता बुला लिया। मीरा के चित्तौड़ त्याग के पश्चात सन 1534 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। विक्रमादित्य मारे गए तथा 13 सहस्त्र महिलाओं ने जोहर किया। ये जोहर क्या होता है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब किसी युद्ध में राजा और उनकी सेना हार जाती है या मर जाती है, राजपूत महिला आग में कूद कर जान देती थी। इसी को जोहर कहा जाता था और वो इसलिए कि अपने शरीर को दुश्मनों के हाथ नहीं लगने देती थी। दूसरी ओर सन 1538 में जोधपुर के राव मालदेव ने मीर देव से मीरता छीन लिया। वे भागकर राज्य में चले गए और मीरा ब्रज की तीर्थ यात्रा पर चली गई। मीराबाई को मारने के कम से कम 2 प्रयासों का चित्रण उनकी कविताओं में मिलता है। एक बार फूल की टोकरी में एक विषैला सांप भेजा गया, लेकिन टोकरी खोलने पर उन्हें कृष्ण की मूर्ति मिलती है। एक अन्य अवसर पर उन्हें विष का प्याला दिया गया, लेकिन उसे पीकर भी मीराबाई को कोई हानि नहीं पहुंची। वे बहुत दिनों तक वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश में रही और फिर द्वारका चली गई। जब राणा उदय सिंह राजा बने तो उन्हें यह जानकर बहुत निराशा हुई कि उनके परिवार में एक महान भक्त के साथ कैसा दुर्व्यवहार हुआ। तब उन्होंने अपने राज्य के कुछ ब्राह्मणों को मीराबाई को वापस लाने के लिए द्वारका भेजा। जब मीराबाई आने को राजी नहीं हुई तो ब्राह्मण जिद करने लगे कि वे भी वापस नहीं जाएंगे। उस समय द्वारका में कृष्ण जन्माष्टमी आयोजन की तैयारी चल रही थी। मीराबाई ने कहा कि वे आयोजन से भाग लेकर चलेंगे।
उस दिन उत्सव चल रहा था। भक्त भजन में मगन थे। मीरा नाचते नाचते श्री रणछोड़दास जी के मंदिर के गर्भगृह में गई और मंदिर के कपाट बंद हो गए। जब द्वार खोले गए तो देखा कि मीरा वहां नहीं थी। उनका चीर मूर्ति के चारों लिपटा गया था और मूर्ति अत्यंत प्रकाशित हो रही थी। मीरा मूर्ति में समा गई थी। मीरा बाई का शरीर भी कहीं नहीं मिला। तो आप समझ ही सकते हैं मीरा कितनी बड़ी भक्त थी। इस कहानी में आपने जाना कि मीरा बाई महाराणा प्रताप की चाची थी और वह मेवाड़ खानदान से ताल्लुक रखती थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।